डांस करो भाई डांस। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं शिंकुला टॉप, और जिनको लग रहा था काफी दिन से हमारी वीडियो फेक है फेक है, तो भाई फेक आप लोग हैं, फेक कमेंट ना करें। जो जेन्युइन लोग हैं वो हमारे साथ आए हैं और स्नो में एंजॉय कर रहे हैं। बाकी आपको पता है मनाली के आसपास अभी कहीं स्नो नहीं है। हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे और स्नो पॉइंट का इंतजार कर रहे होंगे, कहाँ पे स्नो है कहाँ पे स्नोफॉल है, उन सभी बातों का आप अभी भी इंतजार कर रहे होंगे। बाकी दो दिन पहले स्नोफॉल हुई थी, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट दिया था, अभी तो स्नोफॉल कहीं नहीं हो रही है। बाकी अभी कितना स्नो बचा हुआ है वो चेक करने हम जा रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं दारचा में, और मनाली लेह हाईवे का सबसे बड़ा ब्रिज है यहाँ पे, आपको पता ही, और वैली का व्यू बहुत ही प्यारा है, आप देख ही सकते हो। बाकी आज का ब्लॉग दारचा से इस वजह से हम शूट कर रहे हैं क्योंकि मनाली से हम जल्दी से निकले थे, फटाफट से निकले थे, क्योंकि दारचा जो चेक पोस्ट है उसे टाइम से क्रॉस करना पड़ता है। बाकी अभी 4x4 ही अलाउड है, शायद कल का दिन लास्ट है शिंकुला पास का। तो आज हम आए हैं टूर लेके, आज हमारी 3 जिमनियाँ ही है एक साथ में, आप देख सकते हो, 2 भाइट और बीच में हमारी हिमालयन सेरी, बहुत ही प्यारी लग रही है। और हमारे गेस्ट कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कुछ फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और ये अपना हर्ष भाई, ये भी जिमनी लेके आया है। तो कल हमारा लास्ट टूर रहने वाला है शिंकुला टॉप का, बाकी देखते हैं आगे जाके कितनी वहाँ पे बर्फ है, कितना स्नो है, मजे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर आप मनाली आ रहे हो, मनाली में इस टाइम पे कहीं पे भी आपको स्नो नहीं देखने वाली। शिंकुला टॉप एक ऐसा पास है जहाँ पर अभी बर्फ है, उतनी ज्यादा नहीं है पर काफी है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि मनाली में कहीं भी बर्फ नहीं है, शिंकुला में भी बर्फ नहीं हुई है। जो शिंकुला आया ही नहीं है उसको क्या पता होगा शिंकुला के बारे में। शिंकुला हम जाते हैं, हमें पता है, हमसे अपडेट लीजिए। बाकी आज आ रहे, आज वाला वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जिमनी जिमनी ही लगी हुई है क्योंकि 4x4 गाड़ियाँ अलाउड है। बाकी अभी हमारी जिप्सी भी आ रही है, और ये मेरा छोटा भाई आशु। सो हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग गुड। सो हियर वी आर ऑन आवर वे टू शिंकुला पास। सो राइट नाउ वी आर एट दारचा। सो वी आर हियर विद आवर 3 जिमनीज, एज यू कैन सी, वन इज लाइक बद्री भाई, वन इज माइन, एंड वन इज हर्ष भाई। सो हियर इज Here are guests, so they are enjoy taking the photos and taking the view of the valleys. And you can see how the, like, we are like, this is the Darcha place where we have this longest bridge of Himachal Pradesh, of like all over the Himachal. This is the longest bridge in the Leh Manali Highway. So here we have our guests. So I would request sir to share some few words how he's feeling over here right now. Yeah, it is a nice experience, very good. We are feeling lucky that we are here and going to Shinkula Pass right now with Badri Bhai and Ashish. So you can see there are many trucks, and like the people are saying like there's no snowfall in anywhere in the high passes, but Shinkula Pass we have the there is a snowfall over there. So like recently snowed in like the last 2 days, it was snowing in at Shinkula Pass. So right now we are going to Shinkula Pass, so let's take you to the Shinkula Pass and see you there. तो अभी ट्रक्स वगैरह भी जा रहे हैं लेह लद्दाख के, प्राइवेट व्हीकल भी जा रहे हैं, तो प्राइवेट व्हीकल अलाउड है, और टूरिस्ट जो टूरिस्ट कैब है वो 4x4 ही अलाउड है। तो आप मनाली से आ रहे हो तो 4x4 कैब लेकर आए, अगर अपनी प्राइवेट व्हीकल में आ रहे हो तो 4x4 कैब लेकर ही आए। और एक भाई अपने ये नाराज़ है हमारे से लगता है कैसा लग रहा है सर आपको? भी बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा भाई, बस इंतज़ार है बर्फ़ का, इंतजार है भाई, लोगों ने 3-4 दिनों से इंतजार किया है। क्यों आलोक भाई? हम लोग करीबन 3-4 दिन से नीरज भाई के साथ फॉलो अप पे थे, और आज मौका मिला है जाने का। तो आज हम स्नो में जाके रहेंगे। अच्छा, जब आप पहुंचते हो उधर आपको लगता है कि पत्थर इतने सारे कहां से आ रखे हैं, ये क्या है, पहाड़ टूटा है, कोई जमाने में यहाँ पहाड़ टूटा है। आशु आपको स्टोरी बताएगा यहाँ की। सो इस एज यू कैन सी राइट नाउ वी आर एट दारचा। तो पहले ज़माने में एक वहाँ पर एक गांव था, सो यू कैन सी द स्टोन्स ओवर देयर, जो पूरा एक पहाड़ ऊपर से गिर के आया है।
So there was a monk who visited this village for the food. He was asking the food in every house, but nobody gave him or provided the food. But there was one lady who like accepted that and gave them the food, and like it's not like the whole village like declined the monk to give the food, but there was one lady who provided the food to the monk. तो उस चक्कर में क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बढ़िया सा गांव था, उसमें जब उन सब ने डिक्लाइन कर दिया खाना देने के लिए, बट एक लेडी ने जब दिया तो ये गांव पूरा तबाह कर दिया था, और उस लेडी ने जाके सामने एक गांव फिर से बसाया. तो नया गांव जो है वो दारचा गांव है, इस रोड से आगे जाके बस सामने, इसके बिल्कुल सामने है वो गांव. सो दीज आर द थिंग्स विच वर हैपेंड इन रिसेंट डेज और रिसेंट लाइक मेनी ईयर्स बैक. दिस इज द स्टोरी ऑफ लाइक वी आर लिस्टिंग दिस स्टोरीज फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. लाइक ऐसा यहाँ पर गाँव था और ऐसा ऐसा हुआ था. सो मैंने सोचा कि आपको भी बताया जाए कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, क्योंकि चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं आपको. सो दिस इज़ द थिंग. सो आप देख सकते हो, और ये स्टोन्स हैं, इनका कलर बिल्कुल अलग है, तो हम आपको कभी क्लोजली दिखाएंगे. दिस आर लाइक सम काइंड ऑफ अ पर्पल काइंड ऑफ द स्टोन्स, बिल्कुल ही अलग है. सो ऐसा लगता है कि पूरा पहाड़ गिरा है वहाँ से. सो ये दारचा की स्टोरी है. जो यहाँ पर गाँव था तो किसी ने उनको फूड प्रोवाइड नहीं किया, तो एक लेडी ने दिया, जो फिर पूरा गाँव तबाह हो गया, तो उस लेडी ने जाके पर एक गाँव बसाया है. वो हम आपको गाँव अभी दिखाते हैं. तो आगे दिखाएंगे आपको दारचा गाँव, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है. तो चलते हैं, हमारे गेस्ट भी फ्री हो चुके हैं ब्रेकफास्ट करके, हम भी फ्री हो चुके हैं. तो भाई लोगों के फोटोशूट हो रहे हैं, तो हम निकल पड़े हैं दारचा से आगे. तो ये है सामने दारचा विलेज, और दारचा विलेज से आगे आप देख सकते हैं खूबसूरती कैसे चेंज हो जाती है, अलग सा लैंडस्केप आ जाता है, अलग सा नेचर ब्यूटी आ जाती है. दोस्तों अभी जो दारचा वाली चेक पोस्ट है वो जिस्पा में लगी हुई है. जिस्पा में अपनी गाड़ी की एंट्री करवाएं, दारचा में आपको कोई भी चेक पोस्ट नहीं मिलेगी. दारचा से आगे जैसे ही हम निकले तो मुझे तो लग रहा था आज स्नो पिघली होगी, पर रोड पे ही दारचा से थोड़ी सी आगे मुझे बहुत सारी बर्फ़ दिख गई और ब्लैक आइस रोड पे जमी हुई थी, जिसमें संभल कर ही आप गाड़ी चलाएं. शिंकुला के रास्ते में आप देख सकते हो रोड पे ही आइस है, तो आप जान जोखिम में ना डालें. 4x4 गाड़ियां अलाउड है, बाकी जो 4x2 आ रही है वो कोई फंसी हुई है, लोकल गाड़ी आ रही है. तो आप देख लो रोड कंडीशन, चोरी छुपके आ रहे हो तो आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो. बाकी हमारे साथ जितनी भी गाड़ी आप देख सकते हो आगे पीछे, थार है, जिमनिया है, 4x4 ही है, क्योंकि ये अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहे, तो ये 4x4 लेके आए हुए हैं. अगर आपको अपनी जान जोखिम में डालनी है तो आप अपने रिस्क पे आ सकते हो, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टूर ख़राब हो जाएगा. अगर आप यहाँ पे फंस गए तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी. बाकी जानेंगे अपने गेस्टों से कैसा लगा उन्हें, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको. इंकुला टॉप पहुँच चुके हैं, और नज़ारे आप चेक करो दोस्तों कैसे हैं, बिल्कुल वर्थ है यहाँ आना. व्यू इज जस्ट ट्रेमेंडस, ब्रिलियंट. आपको लगेगा ही नहीं आप कहीं मनाली के आसपास है, कहीं ऐसा लगेगा आप हेवन में आए. बहुत सारे माउंटेन एरियाज में है, पर ये बहुत सुंदर है, ग्लेशियर्स के बीच में इनक्रेडिबल. दिल्ली हम शिंकुला पास पहुंच चुके हैं, रोड पे देखो आइस है जमा हुआ, बाकी उतनी ज्यादा बर्फ नहीं है, पर इतनी ज्यादा है कि आपका दिल खुश हो जाएगा. ठंड इतनी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा. और मनाली के आसपास अभी आपको पता है कहीं भी आपको स्नो देखने को नहीं मिलने वाली है. बाकी 8-9-10 का प्रेडिक्शन है लाइव स्नोफॉल का, अगर फिर से लाइव स्नोफॉल होती है तो आपको स्नोफॉल मिलेगी. बाकी देखो इस साइड आप आ रहे तो बहुत ज्यादा स्नो है, तो अब हम यहीं रुकने वाले हैं, स्नो में मजे करेंगे, क्योंकि अगर आप पीछे रुकते हो तो पीछे आपको बर्फ नहीं मिलेगी. जैसे ही आप यहाँ आओगे वैसे ही आपको फुल पावर बर्फ मिलेगी. तो हम यहाँ रुकने वाले हैं अब थोड़ी देर के लिए बर्फ में. तो शिंकुला पास में बर्फ है, और जो हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे थे फेक वीडियो है लाइव स्नोफॉल वाली, तो हमने खुद शूट किया हुआ है गेस्टों के साथ. आज आपको विद टाइम विद प्रूफ हम दिखाएंगे, तो बने रहे वीडियो में. बाहर उतर के दिखाता हूँ. हेलो सर. हेलो मैम. हेलो, कैसे हो?
बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप? बिल्कुल हम मेरठ से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से, और कैसा लग रहा है आपको? ऑसम लग रहा है, मतलब हमें तो लग रहा था कि हम बिना स्नो देखे ही जाने वाले हैं, लेकिन मतलब अच्छा हुआ कि हमने वहाँ स्नो नहीं देखी और हम यहाँ आ गए। मतलब बद्री डायरी जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कैसा आपको लगता है? बिल्कुल ट्रू जाते हैं। और मतलब बहुत सेफ ड्राइव रहती है, बहुत कंफर्टेबल, हमने जर्नी भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया। प्लीज आप प्राइवेट से भी मत आइए, यहाँ की टैक्सी ही कीजिए, या अपने लोकल बंदे हैं जब भी फायदा है, अदरवाइज देखो डेंजर बिल्कुल है। भाई अपनी गाड़ी लेके आए, तब भी हमें बुक किया है और भाई ने 3 दिन हमारा वेट किया है, और पीछे हमारी गाड़ी आ रही है एक और जिम्मो, उसमें भी हमारे पर्सनल गेस्ट हैं। बहुत लकी मानते हैं कि हमें मौका मिला आपके साथ आने का, हम वेट कर रहे थे। थैंक यू सो मच आपका। तो बाकी स्नो देखिए बहुत मस्त है, और आज है 5 दिसंबर, और ऐसी बर्फ आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है, पूरे मनाली में आपको कहीं भी स्नो नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पर फोटो वीडियो ले रहे थे अपने गेस्ट की, तो भाई ने हमें पहचान लिया, भाई अपनी प्राइवेट गाड़ी में आए हैं और इन्हें भी स्नो मिल गई है। कहाँ से हो भाई आप? भाई हरियाणा भिवाड़ी। हरियाणा से, कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच के? भाई मोज कल आपकी वीडियो देखी थी। हाँ जी, तो आपने बोल ली तो थी। हाँ जी, बताना फिर मारे मुंह था कि भाई आए जाओ। अच्छा, मत आना बोला था आपको? आपने बोला था ना कि देख के आना। हाँ, 4x4 ही लाएंगे। आपने 4x4 ही लाया ना, ये देखो। हाँ भाई, ये भाई का 4x4 है, लो हाई और एच आई है यहाँ पे, तो 4x4 की जरूरत है यहाँ पे। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके जी, भाई लोग जा रहे हैं आगे फोटो खींचने, आते हैं मिलते हैं, परे आते हैं हम भी। ओके, तो हमारे आलोक भाई, तो आप बताइए सर, बहुत बढ़िया कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त मतलब ट्रू इन्फॉर्मेशन कहा जाए अपने वर्ड्स का। इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे आप दूसरे लोगों? 100% राइट इन्फॉर्मेशन। अगर आप कभी भी आइए बद्री डायरीज के साथ आइए, आपको हर चीज जेन्युइन मिलेगी, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी सेकंड थॉट। तो डेट बोलेंगे आप सर एक बार मोबाइल में दिखाएंगे, लोगों को डाउट लगता है क्योंकि पिछली वीडियो लाइव स्नोफॉल डाली है, फिर भी लोगों को आज है 5 दिसंबर 2024 और 11:21 और अभी हम हैं बहुत सारी बर्फ में, इसी वजह से आपको बर्फ नहीं मिल रही क्योंकि आप हमें फेक कमेंट वीडियो बोल रहे हो, और आपको ना ही रोहतांग मनाली सिसु अटल टनल कहीं बर्फ नहीं मिल रही। आप कहाँ घूमे? 15 दिन से नीरज भाई के साथ फॉलो अप कर रहा हूँ और लगातार 3 दिन से मनाली में हूँ। और कहाँ आप घूमे? हम लोग यहाँ घूमे, अभी तो हम ये कोक्सर शिशु और अटल टनल, कहीं बर्फ नहीं है। तो भाई लोग 3 दिन से हमारी गाड़ी में घूम रहे थे, कहीं इनको बर्फ नहीं मिली, तो फाइनली आज हमने इनको बर्फ दिखाई थी, और बर्फ भी इतनी भरपूर, बहुत ही ज्यादा। तो कुछ और भाई लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, कहाँ से हो भाई? आपको बात की थी ना मैंने फोन आपसे। हाँ जी, पता नहीं भाई, कॉल किया था वोट। हाँ जी, गाड़ी के लिए। अच्छा, तो अभी यहाँ पर रील बन रही है अच्छे वाली। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं शिंकुला टॉप, और जिनको लग रहा था काफी दिन से हमारी वीडियो फेक है, तो भाई फेक आप लोग हैं, फेक कमेंट ना करें, जो जेन्युइन लोग हैं वो हमारे साथ आए हैं और स्नो में एंजॉय कर रहे हैं। बाकी आपको पता है मनाली के आसपास अभी कहीं स्नो नहीं है, तो यहाँ तक आना है तो आपको एडवाइजरी को फॉलो करना पड़ेगा, और बिल्कुल वाइट क्रिस्टल है, बिल्कुल रूई है, ऐसी बर्फ आपको कहीं नहीं मिलेगी। और एक कमेंट आया था, भाई आपको स्नो के बारे में नॉलेज ही नहीं है, ये तो स्नो फ्लेक्स हो रहे हैं। भाई स्नो फॉल थी, वो फ्लेक्स नहीं थी। स्नो फ्लेक्स जो होते हैं वो 2-3 सेकंड के लिए होते हैं, जो स्नो फॉल है वो आपके सामने इतनी स्नो फॉल हुई है, बिल्कुल वाइट माउंटेन है यहाँ पर। और हमारे गेस्ट तो खुश हो चुके हैं, अगर आप अभी तक घर में वेट कर रहे हो स्नो का तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपको स्नो देखनी है, कल का दिन आपके पास लास्ट है, कल का प्राइस थोड़ा हाई रहने वाला है, तो कल के लिए आप बुकिंग कर सकते हो अगर हमारे साथ घूमना चाहते हो। अगर आप अपनी गाड़ियों में आ रहे हो तो 4x4 गाड़ी लेकर आए, प्राइवेट गाड़ी वैसे लेकर ना आए, उसमें आपका रिस्क हो सकता है। एक दिन हमें भी मौका दे कमाने का, तो हमारी 4x4 बुक करें।
आगे चलते हैं आलोक भाई गैरा के पास जाएंगे। आलोक भाई अपने इन्होंने काफी लंबा इंतजार किया है बर्फ के लिए और मैं खुश भी हूँ हमें बर्फ मिली। मुझे खुद भी लग रहा था पिघल तो नहीं गई होगी क्योंकि मैं 2 दिन पहले आया था और मिल गई, खुशी हो रही है। और आलोक भाई मस्त मस्त फोटो वीडियो अभी क्लिक कर रहे हैं। देखो जी एडवाइजरी है 4x4 की यहाँ आने की और रोड पे है शीशा जमा हुआ। अगर आप चंद पैसा बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना चाहते हो तो आपकी गलती बहुत बड़ी हो सकती है। शीशा देख सकते हो आप रोड पे कितना है, तो रिस्क लेने से अच्छा है 4x4 व्हीकल बुक कीजिए, उसमें आपको थोड़ा भी रिस्क नहीं रहेगा और अच्छे से बर्फ में इंजॉय कीजिए। नहीं तो आप बार बार सस्पेंस में रहेंगे रास्ते में, ये तो नहीं होगा वो तो नहीं होगा, बाकी आपकी मर्जी है। जो तो देखो रिस्क नहीं लेना चाहते वो तो हमारे साथ आए हुए हैं और कल भी आएंगे, हमें तो कोई मोह नहीं है कि आप हमारे साथ आइए या 4x4 में ही आइए, पर आप अपना सेफ्टी के साथ आइए यहाँ पे आना है। तो बिल्कुल रोई है भाई, जिनको लग रहा था आइस है ये आइस नहीं है, स्नो है जो बिल्कुल आपके उठाते ही ऐसा लगेगा आपको कि हाथ से छूट गई है। कुछ और भी कहना चाहते तो आप कह सकते हो हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल आए बद्री डायरीज को ज्वाइन करें, ये बहुत मस्त है, ये आपको बिल्कुल वैलिड मिस ना करें, बिल्कुल भी कोई फेक नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन चीज बताएंगे आपको। इन्हीं का पेज फॉलो करें। हम 3 दिन से रुके हुए हैं, कल इन्होंने हमें कहा था कि क्लोज्ड है तो वो क्लोज्ड ही था, कल इनका खुद से मैसेज आया है कि वो ओपन हो गया है आप चल सकते हैं। कुछ भी पागल बनाने वाली बात नहीं है, तो आप जरूर फॉलो करें इनकी बातों में, बिल्कुल आप बेनिश्चित आइए। यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली बर्थ कमिंग। देखिए बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश स्नो है, बिल्कुल फ्रेश, ऐसा नहीं है। सी ऑसम ट्रिप हो गया है हमारा, ऑसम। थैंक यू बद्री डायरीज, थैंक यू सो मच सर। अभी थोड़ा सा आगे हम जा रहे हैं जहाँ पर सिंकुला टॉप का बोर्ड लगा हुआ है। तो देखिए हमारा पूरा ग्रुप जिमनी जिप्सी, यहाँ पर सारी जिमनी और जिप्सियां यहाँ तक पहुंची है। अगर आप 4x2 में आ रहे हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और आप आधे रास्ते तक आ रहे हो, बाकी आइस आपने रोड पे देख ली है, आप जान जोखिम में ना डाले। और यहाँ पर जितना भी ग्रुप है सभी 4x4 का ग्रुप है। तो शिंकुला लेक के नज़ारे देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं, लेक बिल्कुल जम चुकी है और बर्फ भी इतनी ज़्यादा है लेक पे, नज़ारे बहुत ही मस्त। सर्दी लग गई है भाई को। तो देखिए सो राइट नाउ वी हैव रीच्ड शिंकुला पास, सो यू कैन सी द प्रेशर ऑफ द विंड, एज यू कैन सी द फ्लैग्स हाउ दे आर तो मैं जम गया भाई, पूरा हाथ जम गया मेरा। और शिंकुला लेक देखो कितनी प्यारी लग रही है, पूरी फ्रोजन और बर्फ की चादर बिछ चुकी है यहाँ पर और इतनी ज्यादा बर्फ है और बाहर जो हवा का फ्लो है ना बहुत ही ज्यादा तेज है, बहुत ही ज्यादा हवा है जिसकी वजह से आप देख सकते हो मुझे तो गाड़ी में ही आना पड़ा क्योंकि मेरी उंगलियां सुन्न हो चुकी थी, जम चुकी थी, तो मैं अंदर ही आ गया। और आगे अब उतरेंगे नीचे, बर्फ का एंजॉय तो पूरा हो चुका है हमारा और आपको भी मजा आ रहा होगा वीडियो देखकर मजा आ रहा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी हवा कम है, 100 मीटर पे बहुत ही ज्यादा तेज हवा। ये अच्छी खासी बर्फ है यहाँ पे, तो आज तो हम बर्फ में ही मजे कर रहे हैं, फुल मजे मजे ही आ गए, मजे खूब ज्यादा बर्फ है ये तो ज्यादा। बहुत ठंडी है।
आशु चला गया अपने गेस्ट को लाने रिवर्स गियर में। आशु तो जाता है हमेशा ही उल्टा, तो हम निकलेंगे अब वापिस क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जाते जाते आपको एक बार फिर से रास्ते के नज़ारे दिखा देते हैं थोड़े बहुत, और यहाँ से धीरे ही चले, उड़ते हुए ना चले, चाहे आपके पास 4x4 हो चाहे आपके पास 4x2 हो। तेरे को ले जाने आया ये बद्री भैया, हम बद्री डायरीज के व्लॉग में आ गए फाइनली। कैसा लगा शिंकुला पास? अरे बहुत बढ़िया, ये निकालो माइल तो अभी आपके घर वालों हेलो फुल एंजॉय बद्री भैया का बोले मिला ना अरे बहुत शानदार लगता ना जेनुइन हमारा वीडियो एकदम बद्री भैया की बद्री डायरीज एकदम शानदार धमाकेदार बद्री भैया की जय। मम्मी में आ गया मम्मी मैं फाइनली सिंकुला टॉप पे आ गया ये साये अपनी दूसरी गाड़ी के लिए, छोटा भाई पीछे रह गया था तो भाई लोगों के फोटो शूट रह गए थे तो हमने सोचा तो हम वापिस आ गए आशु के लिए। सो यस सो वी आर हियर एट शिंकुला पास, सो गाइस हैव टेकन द फोटोज, दे आर एंजॉयिंग इन द दे आर एंजॉयिंग द स्नो एंड दे आर लाइक स्टिल एंजॉयिंग, सो दे आर लाइक नॉट फीलिंग टू गो बैक टू होम आई थिंक, सो दे आर जस्ट सेइंग वी वांट टू टेक फोटोज एंड फोटोज मोर एंड मोर एज मेनी एज वी कैन, सो दे आर एंजॉयिंग ओवर, सो दिस इज व्हाट दिस वाज अ डे टू गो टुवर्ड्स द शिंकुला पास, सो सी यू नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू टाटा बाय बाय। चलते हैं सीधा मनाली की तरफ, भाई लोग की बस भी है शाम की। डांस करो भाई डांस। शिंकुला में बर्फ देखकर लोग डांस भी करते हैं क्योंकि मनाली में कहीं बर्फ नहीं मिल रही थी तो आज जिन्हें बर्फ मिल गई और हमारी वीडियो देखकर पहुंचे हुए थे अब खुशी से डांस भी हो रहा है यहाँ पे। और इसमें हमारे गेस्ट जा रहे हैं बर्फ देखने। हेलो गाइस। हेलो जी, कैसे हो? कैसे हो भैया? ये हमारी पलटन है, ये हमारी पलटन है, बर्फ में खूब मजा करके आइएगा। यस, हमारे गेस्टों ने भी खूब मजा किया है, बहुत ज्यादा बर्फ है। तो अभी हम जा रहे थे वापिस और जिस पास से आगे मुझे कुछ दिखा है जंगली बकरी आईवेक्स, आईवेक्स का पूरा ट्रूप। मैं आईवेक्स हर किसी को नहीं दिखते है ना ही स्नो लेपर्ड, तो किस्मत वालों को ये दिखते है और अभी ये चरने के लिए नीचे आए हुए हैं। लगता है हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो आज हमें आईवेक्स दिखे। मैं तो आपसे यही कहूंगा विंटर में बाइक्स राइड ना करें। आप देख सकते हो आजकल ब्लैक आइस हर जगह जम रहा है जिस वजह से बाइक यहाँ पर स्लिप हो गया तो भाइयों ने उठा दिया था तो मैं यहाँ पर नहीं रुका। ये देखो जी, अगर आप बाइक में आ रहे तो ध्यान रखे, यहाँ पे बाइक का काम नहीं चलेगा, आइस जमा हुआ रोड पे, तो रिस्क ना ले, उससे अच्छा अल्टो या डिजायर बुक कर ले। तो मैं अभी शिंकुला टॉप से वापस आ रहा था तो भाई को फॉलो कर रखा है मैंने, वी आर एच एक्सपेंडेशन। तो भाई कैसे हो? और क्या हाल है महाराज, कैसे हो? बहुत सारे भाई लोग भाई को तो जानते होंगे, अगर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो भाई का चैनल है वी आर एच एक्सपेंडेशन, तो आप सर्च करें, भाई स्पीति का टूर कराते हैं विंटर स्पीति। तो कब से आपका बैच शुरू हो रहा है विंटर स्पीति का? 2 फरवरी से हमारा बैच ना अभी, तो दो फरवरी स्नो कितनी मिलेगी फिर उसके डिपेंड, वो तो किस्मत पे डिपेंड है। अगर कोई स्पीति जाना चाहता है भाई के साथ तो कॉन्टेक्ट कीजिएगा, 2 फरवरी से टूर शुरू हो रहा है भाई का। और भाई की जिमनी देखो क्या मस्त है, और भाई जिमनी तो ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे हर कहीं डाल देते हैं पहाड़ों में। एक बार भाई के पेज पे आप जाइए, आपको मजा आएगा बहुत ज्यादा। और भाई की कैंपिंग का पूरा सेटअप तैयार है, भाई तो गाड़ी में ही खाना बनाते हैं, गाड़ियों में ही स्टे करते हैं। ठीक है भाई जी, मिलते हैं शाम को। तो अच्छा लगा भाई से मिलके, भाई की वीडियोस हम देखते रहते हैं, जिमनी का कंटेंट रहता है, कैंपिंग का कंटेंट रहता है, तो शाम को फिर से मिलेंगे भाई से। अभी भाई घूमने जा रहे हैं, बाय बाय।
आज का सफर भी हमारा पूरा हो चुका है, सफल हो चुका है। तो अब मनाली की ओर हम वापस जा रहे हैं। गाइस आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मनाली आ रहे हो तो जरूर यहाँ पे विजिट जरूर कीजिएगा। बर्फ आपको यहाँ पर इनफ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। जब तक श्रृंखला टॉप ओपन है तब तक आप बर्फ के मजे लीजिए। बाकी कल फिर से मिलेंगे न्यू अपडेट में, न्यू वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हर हर महादेव।